Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99 and I welcome all of you to this weekly video series of Equity 99. दोस्तों ये बहुत ही special series है हमारी जो हम काफ़ी हफ्तों से करीबन साल डेढ़ साल से हम हर हफ्ते आपके सामने पेश करते आ रहे हैं और ये वीकली वीडियो सीरीज़ में हम लोग बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक की इन्फॉर्मेशन और मार्केट के आउटलुक को बताते आ रहे हैं। दोस्तों ये जर्नी हमारी बहुत ही सक्सेसफुल रही है अभी तक और जितने भी हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं उनमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी मिले हैं और निवेशकों ने बहुत अच्छी तरीके से इसके लाभ भी उठाए हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से आपको बताते आ रहे हैं कि आपको अपने ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही कॉशियस रहना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है। और दोस्तों जिस तरीके से हमें मार्च लोस के बाद में जिस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से पैसा बनता हुआ दिखा वो आने वाले समय में अब ऐसा नहीं दिखेगा। जो पिछला साल गया वो बहुत ही इजी मेकिंग मनी था बट जो लोग पुराने इन्वेस्टर रहे हैं पुराने ट्रेडर रहे हैं वो जानते हैं कि इस तरीके के दौर दोबारा नहीं आते और आज तक की हिस्ट्री में इस तरीके के दौर सिर्फ दो या तीन बार ही देखे गए हैं। यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन आपको सही और इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है जिस पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेके। हमेशा गुड क्वालिटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट जो है अभी आने वाले समय में और भी ज़्यादा वॉलेटाइल होगा तो हमें यहाँ से और कॉशियस रह के ट्रेड करना है और स्पेशली जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उन लोगों को तो खास तौर से यहाँ से ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों तो जितना ही पैसा आपने अभी तक बनाया है वो आपके एक या दो ट्रेड में ही पूरे के पूरे पैसे निकल जाएंगे। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से आप बुल ट्रैप में फंस गए हैं। तो दोस्तों ये आने वाले अब जो मैं आपको दो तीन स्टेटमेंट बता रहा हूँ ये पिछले दो तीन महीनों में हम लोग ने आपको वीकली वीडियो सीरीज़ के द्वारा कई बार बताया है। लास्ट वीक अगर मैं आपको पिछले हफ्ते की अगर बात करूं तो देखिए वॉलीटिलिटी इंडेक्स ने बहुत ही तेज़ी से जंप किया है और हमें मार्केट में बहुत ही ड्रास्टिकली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और बात बहुत क्लियर है कि अपर साइड से मार्केट में रेजिस्टेंस है और यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। ये जो आपने उतार चढ़ाव देखा दोस्तों हमेशा जब भी मार्केट में करेक्शन आता है या अपसाइड रैली देखने को मिलती है उसके जो रीज़न होते हैं वो अधिकतर रैली ख़त्म होने के बाद में या फिर रैली की शुरुआत के बाद में ही आपको पता चलते हैं। तो करेक्शन आएगा भी तो करेक्शन के जब कंप्लीट होने लगेगा तब आपको उसका परफेक्ट रीज़न मिलेगा कि इस कारण से मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। बहुत सारे ट्रेडर्स आज की डेट में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा से मार्च लोस की तरफ चला जाएगा, यानी कि जैसा कि 2020 के मार्च में देखने को मिला था कि निफ्टी 7,000-8,000 के पास में पहुंची थी वैसा मार्केट दोबारा रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत आपकी मानना है कि ये मार्केट इस तरीके से 9,000-10,000 के लेवल पर आपको अब नहीं मिलेगा। खास तौर से जब इसने टॉप बनाया 15,400 का तो हमें बहुत सारी क्वेरीज आने लगी कि अब क्या यहाँ से मार्केट 7,000-8,000 के इंडेक्स पे पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है कि मार्केट ऐसा दोबारा से नीचे की तरफ जाएगा। निफ्टी ने मार्च लोस के बाद से लेकर अभी तक करीबन 105% का रिटर्न दिया है 11 महीनों के अंतराल में। दोस्तों 105% का मार्केट रिटर्न ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बार बार और ये बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है मार्केट के अंदर। हम लोग इस बिज़नेस में पिछले 15-20 सालों से हैं और हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि ऐसे मार्केट रिएक्शंस बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं, इसको बहुत रेयर माना जाता है। निफ्टी अगर यहाँ से अगर 1500 से 2000 पॉइंट भी करेक्ट होती है तो हम उसको करेक्शन नहीं बोलेंगे बल्कि हम उसको कंसिडर करेंगे एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग, हेल्दी रूटीन प्रॉफिट बुकिंग की तरह। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और क्लियर स्टेटमेंट बोल दूं कि हम यहां से कोई भी ऐसी बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर गिरावट आएगी भी तो छोटी गिरावट आएगी जिसको हम हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग का नाम देंगे और ये मार्केट के अंदर अभी चलने वाली है। दोस्तों अगर निफ्टी को 14,500 के नीचे अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है तो उसके पास में जो नीचे के लेवल्स हैं सपोर्ट लाइंस वो 14,000 और फिर 13,600 के लेवल्स हैं। ये जो लेवल्स हैं ये आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें मिलेंगे क्योंकि अगर आपने यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस करी तो जो मार्केट की अगली रैली होगी उसमें आपको नीचे के लेवल पर आप स्टॉक परचेज नहीं कर पाएंगे। मार्केट बहुत ज़्यादा इस ट्रेंड में नहीं रहने वाला है और लंबे अरसे में अगर बोलूं तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट जो है वो अच्छा ही लगता है, बुलिश ही लगता है और निफ्टी अभी आने वाले दिनों में एक कंसोलिडेशन फेज़ में रन करेगी और 15,400 का जो लेवल है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, वहाँ से मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी शो कर रही है। तो निफ्टी आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी और रेंज बाउंड रहेगी।
अगर दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर आपने अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में करके रखी है तो आप मान के चलिए कि आपको आज नहीं तो कल बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और मार्केट हमेशा इस तरीके से ही परफॉर्म करता है और हम आपको अपने टेलीग्राम के माध्यम से हमेशा ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के लिए हम आपको अलग अलग नए नए स्टॉक्स बताते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि दोस्तों आप जो भी आप ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें वो अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए करें और विद इन द कैपेसिटी करें। जबरन ज़्यादा लालच में आके आप बड़ी ट्रेडिंग ना करें, बड़ी कैपेसिटी में ट्रेडिंग ना करें, जितनी रिस्क है उतनी ही ट्रेड करें। दूसरी बात, जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बताते आया हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ को सेपरेट रखना, उन दोनों को मिलाना नहीं है। अगर आपके पास में अगर 100 रुपये है तो आप उसमें से 70 रुपये का जो पोर्शन है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए और बाकी बचा हुआ 20-30% आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के लिए, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रखिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमेशा आप क्वार्टरली उसको रिव्यू करते रहें कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके के नए उपलब्धियां हो रही हैं, किस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कंपनी में, ये सब चीज़ें आप मॉनिटर करते रहें। पैसे कितना प्राइस पे चल रहा है उसको मॉनिटर ना करने के बजाय कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको ऑब्जर्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी बात पाँचवीं बात कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको स्टॉप लॉस फॉलो करना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि जब नुकसान हो रहा होता है तब सौदा काटने में बुरा लगता है, बट दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म के रूल्स के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान होने के भी चांसेस हैं। हम आज इस वीकली वीडियो सीरीज़ में दोस्तों एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम लोग ने पहले भी बात करी है और कुछ स्टॉक्स हम लोग ने बार बार रिकमेंड करे हैं इस सेगमेंट से, और ये सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। दोस्तों जो हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे दूसरे माध्यमों से जो हमारे लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम लोगों ने इस माध्यम के थ्रू एक स्टॉक है दिल्ली बिल्डकॉन लिमिटेड, जिसको कई बार हम लोगों ने रेकमेंड किया है, करीबन 275 से लेकर 280 के लेवल से हम उसको रेकमेंड करते आ रहे हैं। और ये दिल्ली बिल्डकॉन लिमिटेड एक ऐसा लौता स्टॉक है जिसको हमने वीकली वीडियो सीरीज़ में 2 बार इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों हमने दिलीप इंफ्रा के अलावा बहुत सारे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भी रेकमेंड किए हैं, जैसे कि KNR इंफ्रा, PNC इंफ्रा, और PNC इंफ्रा तो हमने वीकली वीडियो सीरीज़ में भी लिया था और पिछले ही हफ्ते हमने आपको ITD सीमेंटेशन के बारे में बताया। दोस्तों आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से ही है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन में जानी मानी कंपनी है, क्योंकि वो उनका कोर बिजनेस है और कंपनी का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट टोल हाईवे रोड डेवलपर और कंपनी है और इनके पास में करीबन 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा के एसेट्स हैं और 2 इनबिट्स भी है। दोस्तों इस कंपनी की जो टोटल नेटवर्क है अगर रोड मैप के बारे में हिसाब से बताऊं तो 12,500 किलोमीटर का रोड मैप है और इनके पास में साल भर की जो कैपेसिटी है वो 500 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्शन की कैपेसिटी है। एक साल के अंदर ये 500 किलोमीटर तक की रोड बना सकते हैं। इंडिया के जो गोल्डन प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट्स हैं, जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें IRB इंफ्रा का 20% का शेयर है, मतलब कि जो इंडिया के गोल्डन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हिस्सेदारी IRB की 20% है। इसके पास में टोटल 22 इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 19 BOT प्रोजेक्ट्स हैं, 1 TOT प्रोजेक्ट है, 2 हैम प्रोजेक्ट है, हैम मतलब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट्स। और दोस्तों ये हम आपको कंपनी आज क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से ये एक अपने सेगमेंट में लार्जेस्ट कंपनी है, टोल हाईवे प्रोजेक्ट्स में अधिकतर काम करती है और इनके पास में पोर्टफोलियो भी बहुत लंबा चौड़ा है। स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो जुलाई 2020 से ये स्टॉक 100 रुपये से लेकर 125 रुपये की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और पिछले 7 महीनों में ये जो स्टॉक है वो 20 से 25 पॉइंट्स की रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ पाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने जहाँ की यहाँ पे बहुत मैसिव रनअप्स शो करे हैं, इस कंपनी ने उतने मैसिव रनअप शो नहीं किया है और यहाँ से ये कंसोलिडेट कर रही है। कंपनी ने कोविड सिचुएशन में कई चैलेंजेस फेस करे जिसके कारण उनको टोल बूथ से लो कलेक्शन मिला, जैसे कि ट्रैवल रिड्यूस था लॉकडाउन के टाइम पे, आना जाना लोगों का कम था, तो उसमें जो टोल कलेक्शन हुआ इस कंपनी के पास में वो कम हुआ और उसी कारण इनके रिजल्ट्स भी ख़राब आए। दोस्तों ये कंपनी हालांकि बहुत बढ़िया डिविडेंड देती आई है और नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां डिविडेंड पे नहीं करती हैं क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी उनके बोरोइंग की इंटरेस्ट पे करने का पैसा रहता है और बैलेंस शीट जो रहती है वो लीवरेज रहती है।
अगर मैं 2020 की बात करूं तो कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया करीबन 5 रुपये का, जो कि 50% का डिविडेंड होता है, और डिविडेंड ईल्ड इसकी इस कंपनी की देखूं तो 4.6% की आती है, विच इज़ मच मोर हायर देन एनी सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। माने कि जब हम अपने बैंक खाते में पैसे रखते हैं तो उससे ज़्यादा की हमें इंटरेस्ट रेट यहाँ देखने को मिल रही है। रिसेंटली अभी 2020 के जुलाई महीने में इस कंपनी ने अपने डिविडेंड घोषित करी। ये समय ऐसा था जब कोविड का सिचुएशन था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और पर फिर भी इस कंपनी की जोरदारी देखिए कि इसने इस समय पे डिविडेंड घोषित किया, जो कि कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ शो करता है। प्रमोटर ने इस अप्रैल 2020 से लेके अभी तक के टाइम पीरियड में करीबन 0.91% स्टेक खरीदा, और वो भी ओपन मार्केट से खरीदा। अगर मैं दिसंबर क्वार्टर में आपको बात बोलूँ तो ये जो 0.91% है, इसमें से जो मेजर इन्होंने बाइंग करी 0.63% की, वो दिसंबर क्वार्टर में करी। और FPIs का भी इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ता हुआ देखा, 0.93% स्टेक FPIs ने बढ़ाया है, जबकि स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था 100 रुपये से 125 रुपये के बीच में, तभी इन्होंने यहाँ पे अपने अपने स्टेक रेज किए हैं। DIIs जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियाँ, उन्होंने भी अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया, करीबन 0.72% का इंक्रीज़ देखा गया है ओपन मार्केट से। और अगर आपको मैं अगर कंप्लीट इसकी होल्डिंग के बारे में बताऊं तो प्रमोटर की अभी करंट होल्डिंग चल रही है 58.61%, FPI की टोटल होल्डिंग चल रही है 16.30%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग चल रही है 5.41%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग चल रही है 5.99%, जिसमें LIC भी शामिल है, और पब्लिक की होल्डिंग दोस्तों बहुत ही कम बचती है इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बाद में, जो कि मात्र 13.67% है। दोस्तों अगर इस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ये कंपनी की बहुत ही बढ़िया स्टेडी परफॉर्मेंस रही थी, क्योंकि ये मोस्टली BOT सेगमेंट में काम करते हैं, जिसमें कि इनको रोड कंस्ट्रक्शन के बाद में टोल कलेक्शन करना होता है, और ये टोल कलेक्शन से ये लोग बहुत अच्छा पैसा भी बनाते हैं। अगर दोस्तों मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस कंपनी की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2017, 18 और 19 में रही थी, और अगर 2020 की बात करूं तो कोविड के कारण कंपनी को यहां पे प्रेशर देखने को मिला था। इवन FY20 में भी फर्स्ट टू क्वार्टर्स में, क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में कंपनी ने लॉस शो किया है, और क्वार्टर थ्री की बात करूं तो कंपनी ने ये ऑब्जर्व किया कि उनको टोल कलेक्शन में अच्छा दोबारा से हाइक देखने को मिला है, क्योंकि रोड ट्रैवल बढ़ता हुआ नज़र आया आफ्टर लॉकडाउन। तो दोस्तों इस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस रही है। कंपनी आज की डेट में दो मेजर प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है हाईवे के, जिसमें कि एक अहमदाबाद बैंगलोर एक्सप्रेसवे है और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। ये दोनों ही बड़े प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में गवर्नमेंट हाईवे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखी हुई है, और भारतमाला टाइप के जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लेके आई है उससे IRB इंफ्रा टाइप की जो कंपनियां हैं उनको काफ़ी मुनाफा होता हुआ देखेगा, क्योंकि इनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस फॉल करेगा। अगर दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो फर्स्ट हाफ था उसमें डेफिनेटली परफॉर्मेंस नहीं थी कंपनी की, और यहाँ पे कंपनी ने लॉसेस भी रिपोर्ट किए थे। पर दोस्तों जिस तरीके से क्वार्टर थ्री के हमने नंबर्स देखे, उसको अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस आपको बताऊं, यानी कि सितंबर क्वार्टर को दिसंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करूं, तो इनकम जो है कंपनी की 36% से बढ़ी, एबिटा करीबन 28% से बढ़ा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 265% बढ़ा, और प्रॉफिट आफ्टर शेयर ऑफ JV करीबन 445% बढ़ा। कैश प्रॉफिट भी इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 45% से बढ़ता हुआ पाया गया, और कंपनी ने अगर मैं इसी को मतलब सितंबर क्वार्टर को और दिसंबर क्वार्टर को जैसे कंपेयर कर रहा हूँ, उस तरीके से जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और कंपनी जो है अपने प्री कोविड लेवल्स पे पहुँचती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उस फास्टैग के कारण देखिए सबसे पहले कंपनी को मुनाफा तो इस बात का है कि जो जितनी भी चोरी हो रही थी पैसों की वो यहाँ पे बचती हुई नज़र आई, और मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम हो गई इन फास्टैग टोल्स के कारण। टोल कलेक्शन भी बढ़ता हुआ नज़र आया, डेटा के हिसाब से बहुत बड़ी बढ़त देखी गई है टोल कलेक्शन में, और आने वाला फ्यूचर दोस्तों IRB इंफ्रा के लिए बहुत ही शानदार दिख रहा है। इस कंपनी ने ऑल्दो जो रैली अभी चली थी उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, और एक कंसोलिडेशन रेज में चलती रही, और अभी करंट मार्केट प्राइस में दोस्तों 105 रुपये से 108 रुपये के बीच में मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ख़रीदने के लिए। स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। और अगर आपको मैं इसकी हिस्ट्री बताऊँगा इस स्टॉक की, तो 2008 में ये स्टॉक करीबन 60 से 70 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था, जो कि 2010-11 में 300 रुपये के लेवल्स तक छू के आया था।
फिर दोबारा 2013 में ये दोबारा 60-70 रुपए के लेवल्स के पास में आया और 2014 में दोबारा से 300 के लेवल्स में पाया गया। 2017 में स्टॉक करीबन 170 और 180 के लेवल्स के पाया और 2018 में दोबारा से इसने जंप करी 300 के लेवल पे। अब लास्ट ईयर 2020 में ये स्टॉक ने 60 रुपए के नीचे लो ट्रेडिंग लेवल पे आया और इसकी हिस्ट्री के हिसाब से दोस्तों इसने 3 टाइम 60 रुपए से लेके 300 रुपए की रैली दिखाई। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको ये पूरी डिटेल बताई है, इन सारे डिटेल्स को ऑब्जर्व करने के बाद में मुझे बहुत अच्छा कन्विक्शन है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बढ़िया पैसा बना के देगा। स्पेशली इंफ्रा स्पेस में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये जो बेट है वो एकदम रिस्क फ्री बेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ही कम्फर्ट लेवल पे हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि स्टॉक्स सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करता है आपके इन्वेस्टमेंट में। अगर आप अच्छे स्टॉक, गुड क्वालिटी स्टॉक्स को पेशेंस के साथ में होल्ड करें तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा देखने को मिलता है। यहाँ से मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट अगर IRB इंफ्रा में लंबे अरसे के लिए करा जाए, यानी कि 15 से 24 महीने के हिसाब से, तो आपको बहुत ही बढ़िया पैसा बना के दे सकता है। जितने भी निवेशक लंबे अवधि के लिए, जैसे कि 15 से 18 महीने या 20 से 24 महीने के हिसाब से देखना चाह रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं, उनके लिए IRB इंफ्रा बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीकली वीडियो सीरीज़। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में, कलीग्स के साथ में इसको शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल के परिवार को और बड़ा करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड। बेस्ट ऑफ लक, राहुल शर्मा। थैंक यू।